बच्चों, फोर्थ स्टैंडर्ड। आज हम करेंगे हिंदी वंदे मातरम। आज रचना मैम आपको पढ़ाएंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। मेरे बच्चों, लास्ट टाइम हमने स्वर किए, ठीक है? स्वर आपको याद है, अ आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अम आ, ठीक है? ए आई ओ औ अम आ, ठीक है? क ख घ ग ड च छ ज न ट ड ड ड ण त थ द ध न प फ ब ब ब तक हम पूछेंगे तो आपको आना चाहिए। भ म य र ल व श श स स श त्र ध्र, ये आपको आना चाहिए। पेज नंबर 4 पे हमने देखा कि अ कैसे करते हैं, हिंदी में कैसे लिखते हैं, गुजराती में कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो लास्ट टाइम हमने पेज 5 पे देखा अंगूर कैसे लिखते हैं, आरती कैसे लिखती है, और अन्य शब्दों कैसे हम लिखते हैं। बच्चों, व्यंजन देखेंगे तो आज हमें पता चलेगा कि मैम हमको कैसे लिखना है और कैसे हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है? क आपको कमल का क याद रखना है, कैसे लिखते हैं वो भी आपको अच्छे से याद रखना है, ओके? मेरा अगर थोड़ा सा बाहर जा रहा है ब्रैकेट के, आपका नहीं जाना चाहिए। ख ऐसे ऐसे चारों ब्रैकेट में आना चाहिए। ग ऐसे, द ऐसे, छ ऐसे, छ ऐसे, ज ऐसे, ज ऐसे, ट ऐसे, ट ऐसे, और ड ऐसे, ठीक है? तो हमें ये ऐसे लिखना है। क फॉर कमल, क फॉर कमल, ख फॉर खल, खल भी लिख सकते हैं। ग गाय का ग है ना, फिर घ घर का घ आपको याद है, छ चमची का, छ छतरी का, छ वो भी अच्छे से आपको लिखना है, नहीं तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा आपने छ लिखा है कि और कुछ लिखा है, तो वो आपको लिखना है। छ झ झ जहाज, एकदम अच्छे से लिखना है। ओके, फिर झ झ लिखना है, फिर ट ट लिखना है, ट कैसे लिखते हैं, तो फिर लिखिए ठ, फिर ड, ओके? तो ये आप लिख सकते हो बच्चों। ऐसे अच्छे से आप लिखेंगे तो आपका राइटिंग भी अच्छा आ जाएगा, और जहाज का ज, ज जब ज झरने का ज, ट ठ ड, ये सब आप अच्छे से लिख सकते हो। ड ड डमरू का ड, तो ये आपको बार बार लिखना है। क के बाद ख आता है, ख के बाद घ आता है, आपको पूछेंगे कि घ के पहले क्या आता है, तो आपको आना चाहिए। आप कोई भी बाराक्षरी के बारे में ले लो, वो सब वर्ड्स आपके इसमें आने चाहिए।
कोई भी वर्ड हो वो भी अंदर आ जाएगा। जैसे क आप बोल रहे हो, प आप बोल रहे हो, तो ख, ख से क्या आएगा तो वो आपको लिखना आना चाहिए। फिर ख कैसे लिखते, वो कैसे लिखते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और क अच्छे से लिखेंगे तो मैम को पता चलेगा, तो राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये मुझे थोड़ा ब्लॉक छोटा पड़ता है बच्चों, अदरवाइज़ ये बड़ा मैं अच्छे से लिख सकती हूँ, तो आप भी अच्छे से लिख सकते हैं। ख देखिए, ग, अगर आपको पूछे च के पहले क्या आता है तो आपको पता होना चाहिए मैम घ आता है। आपको पूछे कि छ के बाद क्या आता है तो आपको पता होना चाहिए कि मैम ज ही आता है। अगर आपको पूछे ट के पहले क्या आता है तो ये वाला ज आता है मैम, ये आपको आना चाहिए। फिर ठ और ये ड। जैसे जैसे बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको आसान होगा। तो पहले के भी वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, आपको भूलने नहीं हैं, वो भी आपको लिखने हैं। और आपको क ख घ घ च छ झ झ ये याद रखने हैं। आपको कभी भी हम पूछेंगे कि बच्चों ये लाइन के बाद कौन सी लाइन आती है तो आपको आनी चाहिए। ओके, त थ ध ध न, त थ ध, ये याद कैसे करते देखिए। त तलवार दिमाग में रखो, ध थ द द फॉर दूध, ध धनुष, ध ओके ऐसे याद रखो। क ख घ घ, च छ झ झ, ट ठ ड ड, बस हो गया, बस इतना ही हमें याद रखना है। अगर मान लो इतना याद आ गया आपको बच्चों तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, आप आगे भी पढ़ाएंगे और आगे भी पढ़ते रहेंगे। क ख घ घ, ड छ छ झ झ झ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श श फ ह, श ठ छ ट श। तो आपको ये रिपीट करना है, जितना रिपीट करेंगे उतना आपको अच्छे से ये आएगा। तो क ख घ घ ड आता है वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो सिर्फ लिखा हुआ है। जैसे पेज नंबर इस पे दिया है आपको, पेज नंबर दिख रहा है आपको, यस, इसमें बच्चों दिया है। फिर आपको डायरेक्ट छ छ झ झ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब, तो ये आपको लिखना है। तो ये लिख के जितना भी आपको मास्टरी होगी उतना ही आपको अच्छा रहेगा। क ख घ ड छ घ, क ख घ घ छ, ओके। तो ये बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से लिखने पर आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। छ झ, अब मुझे पता है कि झ आता ही है, और ट, क्योंकि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस कर ली तो मुझे पता है कि ठ के बाद ड आएगा। ओके, त
तो बच्चों इसके साथ ही ये लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।